आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स 2006 में बनी, अलग अलग हालात से गुजरी और उसका जो विजन है, जो मैं समझती हूँ, ये था, ये मंत्रालय का जो काम हम कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट मंत्रालय दूसरे भी हैं सोशल जस्टिस के, जहाँ पहले ये जुड़ी थी वो भी कर सकते थे, मगर शायद माइनॉरिटी पे फोकस करने के लिए जो मुझे लगा है 4 मंत्रालय बने हैं, विमेंस, माइनॉरिटी, SC ST के अलग अलग फोकस, ये 4 जो वीक एरियाज हैं वहाँ पर हो। हमारी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है या उनका कमिटमेंट है या उनका लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा, हमारे मंत्रालय का हमने लक्ष्य माना है, अपना एम माना है। ये सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए बेसिक इसका काम है और इसके अंदर 6 माइनॉरिटीज आती हैं, जैसे आपने अभी कहा 6 आइडेंटिफाइड नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीज और अब जैन भी शामिल हो गए हैं इसमें। अलग अलग माइनॉरिटीज़ की अलग अलग समस्याएं हैं, सबके लिए एक जैसा प्रोग्राम नहीं बन सकता है। हमने हर माइनॉरिटी को सामने रख के उनके लिए प्रोग्राम मैंने चार्ज लेने के बाद शुरू किए। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 8 पॉइंट रखे थे माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से, लड़कियों की एजुकेशन के बारे में, इक्वल अपॉर्चुनिटी दूसरा पॉइंट है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड, ऑगमेंटेशन ऑफ स्किल्स एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंटरफेथ कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। इन्हीं 8 लक्ष्यों को सामने रख के हमने अपने जो ऑनगोइंग प्रोग्राम थे और जो इन हमारे कमिटमेंट से, पार्टी के कमिटमेंट से अलहदा थे, हमने नए प्रोग्राम बनाए हैं। हमारा प्रेजेंटेशन होगा, उसमें आप देखेंगे। और उसके साथ साथ समय समय पर प्रधानमंत्री जो अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे उन्होंने 15 अगस्त को रेड फोर्ट से कहा कि शौचालय बनाना चाहिए, हमारा MSDP का है, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हमने उसके अंतर्गत शौचालय बनाने की के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि हमको लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। जहां हम स्कॉलरशिप देते हैं, स्कूल बनाते हैं, स्कूलों के नए कमरे ऐड करते हैं, जहां हम सीखो और कमाओ की हमारी स्कीम है, जहां हमने नई स्कीम शुरू करी है उस्ताद की, जिसकी डिटेल आपको पता लगी, हमारी धरोहर हमारी नई स्कीम है, उसके बारे में भी आपको ऑडियो विजुअल में पता लगेगा, मैं समय ज़्यादा नहीं लेना चाहती। इस तरह की स्कीमों में हमने कुछ काम किए हैं, कुछ हमारे पुराने कामों को स्ट्रेंथन किया, जहां हमें कमी लगी कि अगर डिलीवरी सिस्टम में कोई हमें कमी लगी, स्कॉलरशिप पहुंचने में हमें कमी लगी, तो हमने उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की ऑनगोइंग प्रोग्राम को। और जो नए प्रोग्राम हमको करना है हमारे मैनिफेस्टो के लिहाज से, हमने वो प्रोग्राम किए। मैं समझती हूँ कि प्रेजेंटेशन के बाद
आपको अंदाजा होगा, फिर आप जो सवाल पूछना चाहें हमारे मंत्रालय के पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम। नाउ द सेक्रेटरी विल गिव अ प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैडम। नमस्कार। एक हमने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेके आपको मैं आई जस्ट रन थ्रू इट। यू विल बी गेटिंग द हार्ड कॉपीज। इसकी हार्ड कॉपीज हम आपको उपलब्ध करा देंगे आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि आपको नोट्स लेने की नीड में। मैं स्लाइड वाइज कुछ हाईलाइट्स आपको बता दूंगा इन ए फास्ट ट्रैक मोड। जैसा कि मैडम ने बताया, हमारे मंत्रालय की स्थापना 29 जनवरी 2006 को हुई। नेक्स्ट प्लीज। और हमारे मंत्रालय का विजन बेसिकली इट इज सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, और कंसेप्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे देश की एक विशिष्ट थाती है, तो उस पर हमारा थ्रस्ट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। और मिशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, प्रिजर्वेशन ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज अंडर ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर, और सबको समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये हमारा ध्येय वाक्य है, और उसी का एक एम्बॉडीमेंट है सबका साथ सबका विकास। और जो हमारा फोकस है, रिलीजियस माइनॉरिटीज तो हैं ही हैं, साथ साथ में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हैं। ये एक बहुत हमारे देश की एक विशिष्टता है कि अगर कोई मराठी भाषी तमिलनाडु में है तो वो वहाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, तमिल भाषी अगर बंगाल में है तो वो वहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। तो हमारे संविधान ने बड़ा खूबसूरती से रिलीजियस के साथ साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की भी अवधारणा को जो जिस तरह से स्थापित किया है, वो अपने आप में एक बहुत अनूठी और यूनिक है। नेक्स्ट प्लीज। सॉरी, वापस जाइए। मैं आपको 6 कम्युनिटीज जो बता रही थी, 5 तो पहले से थे, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसी, और 27 जनवरी को जैंस को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। अगर आप उन पॉपुलेशन कंपोजिशन देखें तो 2001 की सेंसस का कंपोजिशन हमने ये आपको बताया, ये वाला। अब लेटेस्ट फिगर जो 2011 की जनगणना के आए हैं, उसके हिसाब से हमारे भारत की आबादी 121 करोड़ है, उसमें से 16 करोड़ मुस्लिम, 16.22, 2.78 क्रिश्चियंस, 2.30 करोड़ सिख्स, बुद्धिस्ट हैं 97 लाख, पारसी सिर्फ 70,000, जैंस 48 लाख, टोटल लगभग 22 करोड़। ये इसका ब्रेकअप है। अगर हम प्लान रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो क्वांटम जंप हुआ। 11th प्लान जो कि 2007 से 12 तक था, हमारा 5 साल का एलोकेशन 7,500 करोड़ था, जो कि 12वें प्लान जो कि 2012 से 17 तक है, ये एलोकेशन 17,323 करोड़ तक पहुंच चुका है। हमारा मंत्रालय कुछ सैटेलाइट्स और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से काम करता है, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, एक मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन है, एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है, और इसी तरह से एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो मुस्लिम स्पेसिफिक है, जैसे कि ख्वाजा साहब दरगाह शरीफ जो अजमेर में है, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, उस एक्ट के तहत दरगाह कमेटी है, उस कमेटी का एडमिनिस्ट्रेशन, दरगाह शरीफ का मैनेजमेंट एक कमेटी के माध्यम से होता है, मगर उसका उस एक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। इसी तरह से सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जितने भी वक्फ हमारे पूरे भारत में हैं उनका मैनेजमेंट और उनका सुपरविजन, और अब चूंकि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है तो एक तरह से ये रेगुलेटर है। तो हमारी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है साथियों, वो अब एक बजाय एक रूटीन बॉडी होने के, अब ये एक रेगुलेटर की भूमिका में आ गई है आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द वक्फ एक्ट। और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुआ 2013 में, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में नवाड को कहते हैं, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हमारे हिंदुस्तान में है उनको किस तरह से लेवरेज करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से उन प्रॉपर्टीज को डेवलप करके उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो वो मुस्लिम्स की सोशियो इकोनॉमिक बहबूदी के लिए, डेवलपमेंट के लिए किया जाए, ये इसकी अवधारणा है। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने बताया, पहला जो हमारा थ्रस्ट है पूरी मिनिस्ट्री का, वो है एजुकेशनल एम्पावरमेंट। उसके तहत हम लोग स्कॉलरशिप्स देते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, इसी तरह से बच्चों को फ्री कोचिंग देते हैं ताकि वो कम्पीट कर सकें। एक स्कीम हमने लॉन्च की है, पढ़ो परदेश। कोई भी माइनॉरिटी का यूथ विदेश में पढ़ना चाहे, अगर वो किसी बैंक से लोन लेते हैं तो ब्याज हम देंगे,
करीब करीब 48 केस इस बार हम हमारे पास आ चुके हैं, 17-18 लाख रुपए हमने सैंक्शन भी किए हैं। और हमें उम्मीद है जितने भी भारत के बैंक्स हैं जो IBA के मेंबर्स हैं, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन, उनके माध्यम से जो लोन लेगा इंटरेस्ट पढ़ो परदेश योजना के तहत मिनिस्ट्री ऑफ मनी डिफेंस देगी। और इसके लिए हमने कैनरा बैंक को इसका नोडल बैंक बनाया। फिजिकल हैंडलिंग मनी का कहीं नहीं होगा, इट विल बी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी टू द स्ट्रेट ओवर द अकाउंट ऑफ द स्कॉलर जो बाहर पड़ेगा। इसी तरह से नई उड़ान जो है वो प्रोग्राम हमारा, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहें माइनॉरिटी यूथ्स, उसको हम नई उड़ान के तहत सपोर्ट करते हैं। और MSDP मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें 75-25 का बजट रेशियो होता है, 75% भारत सरकार देती है, 25% स्टेट देती हैं, और उसका हमने ब्रांडिंग किया है जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से, MSDP के माध्यम से पूरे स्टेट्स में हम लोग इस कार्यक्रम को लागू करते हैं टू टैकल द डेवलपमेंट डेफिसिट ऑफ माइनॉरिटी एरियाज। अगर हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट जो कि आज हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है, हमारी भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया है स्किल के लिए, तो स्किल डेवलपमेंट को हमने बहुत ऊंची प्राथमिकता में रखा और एक इनिशिएटिव लॉन्च किया और जिसका हमने नाम रखा सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न। तो इस योजना के तहत हम लोग माइनॉरिटी यूथ को न सिर्फ स्किल प्रोवाइड करते हैं बल्कि उनका प्लेसमेंट भी इंश्योर करते हैं। 75% ऑफ द स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स जो हमारे साथ स्किल सीखते हैं उनका हम प्लेसमेंट तय करते हैं और उनकी स्किल ट्रेनिंग का सारा खर्चा 100% भारत सरकार का ये मंत्रालय वहन करता है सीखो कमाओ के तहत। जन विकास कार्यक्रम की बात में भी आपको कर ही चुका था, MSDP इज मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि डेवलपमेंट डेफिसिट को डील करता है। कहीं स्कूल में कमरे नहीं हैं, कहीं हॉस्पिटल की बिल्डिंग थोड़ी सी अच्छी हालत में नहीं है, कहीं पे कोई पीने के पानी का हैंडपंप नहीं, तो इस तरह का इसको कहेंगे कि चिपिंग इन टू टेक केयर ऑफ द मिसिंग लिंक्स, डेवलपमेंट डेफिसिट को डील करने के लिए इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया। और NAWADCO के बारे में आपको अर्ज कर चुका हूँ। इसी तरह से नई रोशनी जो हमारी माताएं बहनें हैं माइनॉरिटी सेगमेंट्स की, उनको अवेयरनेस के बारे में कि कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं, कहाँ उसका आप लाभ उठा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग रेजिडेंशियल कैंप्स करते हैं और उसके माध्यम से उनको कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस इस बारे में उसको सेंसिटाइज करते हैं। एक यूनिक स्कीम हमने जो लॉन्च की पिछले साल, उसका नाम है जियो पारसी। पूरे विश्व में संभवतः भारत एक ऐसा देश है जहां ऑफिशियली एक स्कीम लॉन्च की गई है कि कोई कम्युनिटी का एक्सटिंक्शन नहीं हो जाए, वो बिल्कुल ही कहीं लुप्त नहीं हो जाए। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 1,40,000 पारसी थे, अब वो घटकर सिर्फ 70,000 रह गए। हर साल लगभग 700 पारसी स्वर्गवास होते हैं, उसमें से सिर्फ 300 ही पैदा होते हैं, इतना डेफिसिट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा कि ये कम्युनिटी आने वाले 50-60 वर्षों में तो दिखने को नहीं होगी। सो टू चेक द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ पारसी कम्युनिटीज विच हैज़ ए यूनिक कल्चर, नॉट ओनली यूनिक कल्चर, इट इज यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन सक्सेस स्टोरी, वी हैव लॉन्च दिस स्कीम जियो पारसी। इस पर हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियली फर्टिलिटी कंसल्टेंसी करवाते हैं हॉस्पिटल के थ्रू और यंग कपल्स के नाम को सीक्रेट रखते हैं ताकि उनकी भी प्राइवेसी सिक्योर हो। और आपको जान की खुशी होगी कि इस प्रोग्राम के माध्यम से इस वर्ष देर आर 8 कंसेप्शन, सो 8 बच्चे हमारे परिवार में जुड़ रहे हैं जो पारसी समुदाय के हैं। सो दिस इज ए सक्सेस, तो सक्सेस प्रोग्राम है और इसका पारसी कम्युनिटी ने स्वागत किया। आपको जान के ये खुशी होगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन के जो लीडिंग पेपर हैं, UK ने इसको किया कि भारत सरकार की सेंसिटिविटी कि माइनॉरिटीज के प्रति उनकी पॉपुलेशन को एक्सटेंशन से बचाने के लिए भी एक स्कीम जियो पारसी के नाम से। और एक बात मीडिया के फ्रेंड्स नोट करेंगे कि जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी ब्रांडिंग हमने बोलचाल की भाषा में की है, जियो पारसी, पढ़ो परदेश, नई रोशनी, सीखो कमाओ, ताकि वो तुरंत आम आदमी तक वो हमारा कम्युनिकेट हो जाए। हमने उसका बहुत भारी भरकम नाम नहीं रखा, सिंपल से नाम रखे। स्कॉलरशिप, जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया था कि अब तक जब से हमारा मंत्रालय बना है 3,22,00,000 विद्यार्थियों को ये हम स्कॉलरशिप दे चुके हैं। और जो हमारा जन विकास कार्यक्रम है MSDP, उसके अंतर्गत वो डेवलपमेंट डेफिसिट माइनॉरिटीज एरिया में 117 ITIs, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसमें हम लोग क्राफ्ट्समैन की ट्रेनिंग करवाते हैं, ITIs, पॉलिटेक्निक करीब 44, नए स्कूल बिल्डिंग 1,092 और एडिशनल क्लासरूम 20,756 और हॉस्टल्स 645। तो इस तरह से ये हमने जो मिसिंग लिंक्स थे उसको हमने फाइनेंस किया और इसमें 25% पैसा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का और 75% पैसा हमारी भारत सरकार का है। इसी तरह सीखो कमाओ जो कि 13-14 में लॉन्च किया गया था, अब तक 20,164 यूथ को ट्रेन किया जा चुका है और इस बार हमारा टारगेट है 1,01,094 जिनको कि हम लोग सीखो कमाओ में ट्रेन करेंगे।
हमारी जो एक पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वो अब तक 2703 करोड़ का लोन 10 लाख बेनिफिशियरी को बांट चुकी है। थोड़ा फास्टर कर दीजिए, फास्टर कर देते। ये तो सिंपल उसका बार चार्ट है। नेक्स्ट प्लीज। नए इनिशिएटिव जो लिए हैं, एक प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं उस्ताद, जिसका कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में इसकी घोषणा की थी। उस्ताद एक एक्रोनिम है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। हमारे वाणिज्य के अधिकांश जो लोग हैं बहुत हुनरमंद हैं, तो उनके हुनर को किस तरह से परपेचुएट किया जाए। नेक्स्ट प्लीज। साइबर ग्राम योजना टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। नेक्स्ट प्लीज। नई मंजिल, नई मंजिल के तहत जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रिज कोर्स हम सपोर्ट करेंगे 10%, ताकि वो एकेडेमिया से या मुख्य धारा में जुड़ना चाहें, सो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी और इल्मी तालीम भी ले सकें। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह से हम लोग अजमेर में एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन के तत्वावधान में बनाई जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। नवाडको के बारे में आपको जिक्र कर चुका हूँ, इसमें काफ़ी मेजर ब्रेक थ्रू हुए हैं, और बेंगलोर में 7 प्रॉपर्टीज, दिल्ली में 1 और भोपाल में 4, ये प्रॉपर्टीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। और NBCC जो भारत सरकार का एक पब्लिक सेक्टर है, नेशनल बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, वो हमारा इसमें हमारे साथ MOU हो चुका है। डेवलपमेंट सारा वो करेगा, और इसमें 3 तरह के उसमें पार्टनर्स होंगे। स्टेट वक्फ बोर्ड, जिसकी प्रॉपर्टी है मुतवलीस मिनिस्ट्री ऑफ मैनेज अफेयर्स के थ्रू नावाडको, और NBCC जो कि हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। एक प्रोग्राम हमारी धरोहर के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसका आइडिया रहेगा कि हाउ टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, टू क्यूरेट द हेरिटेज, टू प्रिजर्व इट, डिजिटाइजेशन ऑफ आर्काइव्स, ये उसके सब कंपोनेंट्स हैं। और इसके बारे में भी हम लोगों ने इसकी स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी में अप्रूवल के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। इसकी डेवलपमेंट के बारे में बता चुका हूँ, सो आपका टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लूँगा। नेक्स्ट प्लीज। नया सवेरा एक कोचिंग की स्कीम है, जो हमारे बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में करना चाहें तो उसमें रेपुटेड संस्थाओं के माध्यम से कोचिंग करवाते हैं। आप देखेंगे कि पूरी कंट्री में इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और बहुत अच्छे सिलेक्शन भी हुए हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनको हमने बुला के सम्मानित भी किया है। आगे कुछ पिक्चर्स हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह से जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने भी बताया, हमारे प्रधानमंत्री महोदय का इस पर थ्रस्ट है रूरल सैनिटेशन पे और टॉयलेट्स पे, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे MSDP के तहत जितने भी गर्ल्स और बॉयज स्कूल्स हैं उसको प्रायोरिटी से हम टॉयलेट्स के लिए सैंक्शन करें, ताकि खास तौर से हमारी बच्चियों को टॉयलेट्स के लिए कोई असुविधा ना हो। नेक्स्ट प्लीज। आप पिक्चर्स को दिखा दो उसके नेक्स्ट। हाँ, ये भी बता दीजिए हमने क्या अपग्रेडेशन। गो बैक प्लीज। इनिशिएटिव। हाँ, अभी हम लोग जो स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी उसको और अपग्रेड कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकली एंड कंटेंट वाइज। जैसे स्कॉलरशिप है तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करें, सीधा बच्चे के बैंक अकाउंट में पैसा जाए। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से खाते तो खुल ही रहे हैं, तो हम लोग सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कॉलरशिप को ट्रांसफर करने के लिए प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया है। पहले हम लोग एफिडेविट्स मांगते थे, उसको खत्म कर दिया। आप सेल्फ डिक्लेरेशन कर दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, और मेरी इसका ये वल्दियत वगैरह है, हम उसी को मान लेंगे, क्योंकि जो ओनस है वो उस देने वाले पे है। तो एफिडेविट का एक बहुत बड़ा एक जो हर्डल था, बॉटलनेक थी, वो हमने खत्म कर दी है। इसी तरह से ऑनलाइन स्कॉलरशिप मैनेजमेंट, वो DBT के बारे में आपको कोर्स कर चुका हूँ पूरा, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी हमको एक्टिव सपोर्ट मिल रहा है। MSDP के बारे में ब्रांडिंग आपने बता दी। पूरे हिंदुस्तान में 710 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको हम MCB कहते हैं, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक्स, जहाँ पे माइनॉरिटी की सेगमेंट की आबादी 25% या उससे अधिक है, उसको हम लोग MCB कहते हैं, मिनिमम 25% होनी चाहिए। इसी तरह से 66 ऐसे कस्बे हैं जहाँ पे माइनॉरिटी का कंसंट्रेशन है 25%, और एक थर्ड सेगमेंट और जोड़ दिया, 50% से ज़्यादा अगर कहीं कंसंट्रेशन है हमारे माइनॉरिटीज़ का तो उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर्स। तो उसको भी हम एज ए यूनिट हमारी डेवलपमेंट योजनाओं से इसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन स्कीम के जो हमारा फाउंडेशन है उसके माध्यम से भी हम इसको जो हमारी स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह उसको ठीक कर रहे हैं। पड़ो प्रदेश के बारे में आपको कोर्स कर चुका हूँ, और स्किल के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट लीजिए। ये कुछ विजुअल्स हैं नई रोशनी के, जो मैं जिक्र आपसे कर रहा था, नई रोशनी में जो हमारी माताएँ बहनें हैं उनको ये सिखाया जा रहा है कि कौन कौन सी योजनाएँ हैं, कैसे भाग ले सकते हैं, जस्ट टू सेंसिटाइज देम। ये आपको जान के खुशी होगी, अभी परसों मैं खुद ही सिलीगुड़ी जा रहा हूँ,
इसमें मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट और गोरखे, इनको हमने दो दो महीने की सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग दी, 10% प्लेसमेंट। अभी परसों इनकी पासिंग आउट परेड है, जिनमें इनको हम ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देंगे सिक्योरिटी गार्ड का, और प्लेसमेंट भी देंगे। आप देखें गर्ल्स भी हैं इसमें, 13 गर्ल्स, गोरखास, क्रिश्चियंस एंड बुद्धिस्ट, ये पूरा ग्रुप है। सिक्योरिटी गार्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर सीखो और कमाओ एट सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। तो परसों शाम को इसका हम वैलिडेशन जो हम कर रहे हैं, उसमें पश्चिम बंगाल के मंत्री जी और वहाँ के सेक्रेटरी हम सब आ रहे हैं, और ऐसे कोर्सेस हम पूरे हिंदुस्तान में चला रहे हैं। दो दो महीने का ट्रेनिंग, जॉब की गारंटी, सीखो और कमाओ। नेक्स्ट प्लीज। ये सिलाई का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम लोग ILFS के माध्यम से चलाते हैं, स्किल डेवलपमेंट उनका जो इनिशिएटिव है, ILFS जो कि एक रेपुटेड संस्था है, उसके माध्यम से चलाते हैं। ये छोटी बच्ची भी सिलाई करना सीख रही है, ये पंजाब का है, जिसमें आसपास के लोग आते हैं खासतौर से सीखो और कमाओ के तहत। ये बच्ची राजस्थान की, हनुमानगढ़ की है। ये मेसन्स हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, तो इनको भी बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई है, ताकि वो एक मेसन को दिन में आराम से 500 से 1000 रुपये तक की मजदूरी मिल जाती है, और आप उनके यूनिफॉर्म, उनके सेफ्टी गियर्स और पूरा अच्छी तरह से। तो ये हमने मेघालय में इनका चलाया था, पूरी कंट्री में इस तरह के। और जो ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं साथियों, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DGET डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग से रिकॉग्नाइज्ड हैं। दे आर रिकॉग्नाइज्ड VTPs, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, विद 10% एश्योरेंस ऑफ द प्लेसमेंट। नेक्स्ट प्लीज। ये जो हमने MOU किया, दिस चेयरमैन ऑफ NBCC ऑनरेबल मिनिस्टर वेंकैया नायडू साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर डॉक्टर हेप्तुल्ला जी और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, तो ये हमारा NBCC के साथ NAVATCO और NBCC का जो MOU साइन हुआ उसके विजुअल्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। साइबर ग्राम योजना टू प्रोवाइड डिजिटल लिटरेसी टू माइनॉरिटी पॉपुलेशन। आप देखिए इसमें छोटी बच्ची भी देख रही है, अम्मा जी भी देख रही हैं, और किस तरह से कंप्यूटर पर उनको पूरा सिखाया जा रहा है, डिजिटल लिटरेसी साइबर ग्राम योजना के तहत। इसको भी हमने जन विकास कार्यक्रम MSDP के तहत इसकी मेन स्ट्रीमिंग कर ली है। सो लिटरेसी अलोंग विद साइबर लिटरेसी टू मेक देम कंप्लीट लिटरेट। नेक्स्ट। इसी तरह से जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, आप देखिए ये लड़की प्रॉपर IAS में आई थी, मिस अख्तर, और ये सब बच्चे IAS एलाइड में सेलेक्ट हुए, तो ये हमारी कोचिंग से जो सपोर्ट किए गए और जो सेलेक्ट हुए उनको बुला के हमने सम्मानित किया ऑनरेबल मिनिस्टर के कर कमलों द्वारा, ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ फ्रेंड्स, द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। वन बाय वन, यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? या प्लीज आइडेंटिफाई योर। माय नेम इज बारी मसूद, मुस्लिम मिरर। ये आपने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि SC और ST को जो स्कॉलरशिप मिलती है एट पार लाया जाएगा, आपने फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की थी, इस सिलसिले में कहाँ तक पेशरफ्त हुई है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जब बजट से पहले हमारी मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हुई थी, तो हमने कहा था इक्वलाइजेशन होना चाहिए। दो चीज़ें हमने मांग करी थी, एक कहा था कि इसका वैल्यू बढ़ाना चाहिए, और दूसरी हमने बात की थी कि डिमांड ड्रिवन होना चाहिए। जैसे SC ST के डिमांड ड्रिवन होते हैं, तो माइनॉरिटीज के भी डिमांड ड्रिवन होना चाहिए। वो हमसे मंत्री जी ने कहा, उस पर गौर कर रहे हैं अभी, फिर ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है, नेक्स्ट बजट से पहले हम लोग इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। या प्लीज, या वी विल कम बैक टू यू। मैं बालकृष्ण आज तक से, आपका एक बयान आया था थोड़े दिनों पहले जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, कि हिंदुस्तान के सभी लोगों को हिंदू कहा जा सकता है। आपने बाद में कहा था कि वो सिर्फ वो कल्चरल सेंस में है, लेकिन माइनॉरिटीज़ में बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति है। मेरा सवाल है कि क्या इस बयान पे कायम है कि जो इंडिया में जो भी लोग रहते हैं उनको हिंदू कहा जा सकता है? देखिए, ऐसे तो बहुत से बयान लोग देते हैं, मैं भी देती हूँ। आज मैं कोशिश ये कर रही हूँ वो आपकी डिमांड के ऊपर, क्योंकि सबकी तरफ से हमसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आपके मंत्रालय ने जो 100 दिन में काम किया है उसके बारे में बात कीजिएगा। अगर आपको उस बयान के बारे में बात करना है तो आप कल मेरे मंत्रालय आ जाइए, मैं तफसील से बता दूंगी, क्योंकि वो एक मिनट में उसका जवाब मैं दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसके पीछे हिस्ट्री भी है और उसके पीछे ज्योग्राफी भी है, तो मुझे समझाना पड़ेगा। मैम, आई एम नाज़ असगर फ्रॉम UNI। यस, द माइनॉरिटीज़ कमीशन हैज़ सेंट यू रेजोल्यूशन
in which they have condemned the recent inflammatory speeches by ruling party MPs against minorities, and they have wanted central intervention in the matter. And your ministry has received that resolution. मैंने आपसे कहा ना, ये general आम press conference हमने नहीं बुलाई है. ये press conference एक खास मकसद के लिए बैठी. If you like, I'll speak in English. That this press conference is being called to explain or to tell you what we have done, our ministry has done in last 100 odd days. That's what I have come over here. But if you want to discuss any other political issue, I'm open to it, but not here. You come to my office, I'll explain to you everything. I'm not scared of press, never. Ma'am, please hold on. Ma'am, Mumtaz Alam Rizvi in club se. ये अरे आप वहाँ कैसे चले गए? अरे जी मैं दो तीन सवाल करूँगा. एक चीज़ ये कि जब आप वजारत बन के आई थी तो वजीर बन के तो आपने कहा था कि हम स्टेट से जो चीफ मिनिस्टर हैं या जो गवर्नमेंट है उससे मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि हमारी ज़्यादातर स्कीमें जब तक स्टेट नहीं चाहेंगी तब तक वो नाफिज नहीं हो सकती. तो मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि अब तक आपने किन किन स्टेट से राबता किया, किन किन स्टेट से बात हुई? एक चीज एक जवाब दे. नहीं प्लीज होल्ड ऑन, देयर आर अदर्स आल्सो. मैंने ये बात कही थी क्योंकि हमारा मुल्क है, जैसे आपने खुद ही कहा कि इसे फेडरल स्टेट जी सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट की स्कीम बनाते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में होता है. हमारी समस्या है उसकी, क्योंकि स्टेट को कोऑपरेट करना पड़ता है. मैं यहाँ स्टेट्स का नाम नहीं लूँगी कि कहाँ मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उनके साथ हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन बेहतर हो. मेरी कश्मीर में गई थी, चीफ मिनिस्टर से बात हुई. अब तो खैर वहाँ आपातकालीन स्थिति है सैलाब की वजह से, उसके बारे में मैं बाद में अनाउंसमेंट कुछ करने वाली हूँ, आपको बताऊँगी. मेरी महाराष्ट्र के सीएम को मैंने चिट्ठी लिखी, उनका कोई ख़ास जवाब नहीं आया. उत्तर प्रदेश के सीएम को मैंने चिट्ठी लिखी, उनका भी जवाब, उनका तो आया ही नहीं जवाब. मैंने उनको पूरी डिटेल बना के भेजी कि कहाँ हमारी प्रॉब्लम है. मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ कि हमने जो रीस्ट्रक्चरिंग करी अपने पुराने प्रोग्राम की, जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपको बताई, अगर आपने गौर से देखी हो तो आप, नहीं तो हार्ड कॉपी में देख लीजिएगा, कि जहाँ हमें ब्लॉकेड लगा हमारे कहाँ हमको ब्लॉकेड लगता है ज़्यादातर, कि हमारे जो स्कॉलरशिप हम भेजते हैं वो टाइम पे बच्चों को मिलना चाहिए. अगर वो टाइम पे बच्चों को नहीं मिलते तो उनकी तकलीफ होती थी. ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में हमें बहुत ज़्यादा तादाद में हम देते हैं, 90 लाख के करीब हम स्कॉलरशिप पूरे हिंदुस्तान में देते हैं. हमने डिजिटाइजेशन करके, कंप्यूटराइज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कॉलरशिप डायरेक्ट बेनिफिशरी को मिल जाए. हमारी स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं ताकि हमें स्टेट गवर्नमेंट से बात करने के बजाय डायरेक्टली हम बच्चों को जो बेनिफिशरी हैं उनको मिल जाए. दूसरी चीज़ है कि पहले 15% उनको 25% उन्हें देना पड़ता था, अब पूरा का पूरा सेंटर स्पॉन्सर्ड है स्कॉलरशिप, तो पूरे हम देते हैं. तीसरी जो मैं बहुत खुश हूँ, जो प्रधानमंत्री की जनधन योजना है और जो डिजिटाइज इंडिया की प्रोग्राम है, उसकी वजह से मेरे मंत्रालय को बहुत फ़ायदा होगा. ये बात मैंने प्रधानमंत्री को बताई, क्योंकि हम डायरेक्टली अपने स्कॉलरशिप या हमारे जो भी प्रोजेक्ट के पैसे हैं MSDP के हैं, हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकेंगे, हमारे लोन हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे बैंक के थ्रू. और गाँव में अगर कंप्यूटर खुल जाएंगे तो हमें बहुत आसानी होगी, हमारे मंत्रालय को इससे बहुत फायदा होगा. ये हमने वहाँ उनके साथ में डिस्कस किया है. टाइम रहेगा तो बाद में कर देंगे, बाद में कर लेंगे. टाइम रहेगा तो मैं जरूर कर दूंगा. माय क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू द वक्फ बोर्ड. माय क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू वक्फ बोर्ड. There are a lot of allegations that, you know, large patches of land has been encroached by many people in different parts of the country. I mean, I'm speaking about the Wakf Board. The second thing is there a plan to revamp the existing Wakf Board, ma'am?
The thing is that I should let you know there are 6 lakh acres of WAC property all over India. I think we are the number two after the railways in holding that property. As there were no strong WAF Act, this property has been illegally occupied by ordinary people or by some other, the owners or the controllers of WAC. There is a bill pending. One WAC bill is passed. One bill regarding WAC is pending in the parliament with the standing committee, which talks about the evacuation of the illegally occupied WAC property. And we are, I have spoken to the Minister for Urban Development and Parliamentary Affairs, Mr. Venkaiah Naidu, to expedite so that when the bill is passed, we will have strong teeth to vacate those illegally occupied properties. Now, whatever properties are available with us, we have started exploring and development of those properties. And I'm very happy to announce over here that if all that 6 lakh acres of the property is developed, we can earn up to 20,000 crore per year. Even half of it if I get, I will be very happy to fund all the development schemes of the minorities, and we will not have so much a burden on the government. The projects or the issues which we want to take about the development and empowerment of the minorities, we will be able to do that. We are digitizing all the WAC properties on computer. Most of the digitization, computerization of the properties have been done in every state. A few difficult states are there. Perhaps either Secretary Saab or myself, we will go and discuss what are their problems. I'm speaking to the governors of those states and the chief minister to expedite that digitization of the WAC property. Yes, Kamaljeet. Ma'am, I'm Kamaljeet from Headlines Today. I have two specific questions and I hope you'll be answering both of them. Depending. One is regarding love jihad. BJP has been raking up that. Nahin, Kamaljeet, no. I have told I will tell you, please. No, don't worry. I can handle Kamaljeet very well. Kamaljeet, I'll be very happy if you come tomorrow to my office. Ma'am, love anytime. Jihad, just reason being, it's also talking about conversion. Let me talk to you. Today, as I've announced in the beginning, let's talk about development. My fight, my efforts, including the Prime Minister's efforts, are to see to have a long-term process of development. We are talking about, and main Hindi mein agar bolu tumko, ki meri ladai aaj garibi ke khilaaf hai, pichhrepan ke khilaaf hai, berozgari ke khilaaf hai. Meri main ladai wo lad rahi hoon. Main usko jihad nahi keh rahi. Par aap minority ke liye, minorities ke liye. Aur love jihad jaisa ek serious mamla samne aaya hai, ma'am. तो आप किस तरह से देखते हैं कन्वर्जन के बारे में? मेरा जवाब तो मुझे देना है। थैंक यू। मैं समझा दूं तुमको। हमारी जो आज लॉन्ग टर्म हमारी जो स्ट्रेटजीज है, मैं सिर्फ एक बात से इम्प्रेस हूँ प्राइम मिनिस्टर की, जो खास मेरे दिमाग पे असर करी है और मैं हमेशा सामने रखती हूँ कि जब पटना में बॉम्ब फट रहे थे, प्राइम मिनिस्टर अपने कमिटेड एजेंडे ऑफ डिवेलपमेंट से नहीं हटे. कोई दूसरा होता तो छोड़ के मैदान भाग जाता या अपनी तकरीर बदल देता. उन हालात में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हारी लड़ाई किससे है, दोनों कम्युनिटी से पूछा. उन्होंने कहा हमारी लड़ाई गरीबी से है, एक दूसरे से नहीं है. आज मेरी लड़ाई भी पिछड़ेपन से है, गरीबी से है, बेरोजगारी से है. सो आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. वट एवर एनीबडी सेज इन द कंट्री, whatever happens there, I'm going to continue my development work. Second, yeah, your own party men have been accused of hate speeches. Please respect your other friends. No, Kamalji, this is not done. Please respect your other friends. Ma'am, this is Faraz Ahmed here from Lokmat. Faraz Ahmed from Lokmat. I want to ask you, you have mentioned here about the Prime Minister's interest in toilets. And toilets in minority girls' schools. That's what you talked about. Now, in these 100 days, have you been able to identify how many such schools exist in the country
And what kind of allocation have you set aside? What kind of plan do you have? Would you be able to tell us how many schools have you been able to identify? 100 days नहीं हुए हैं, 30 दिन हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था इसके बारे में. नहीं, 100 दिन में, हर दिन में अलग अलग बात होती है. 100 दिन में पहले दिन तो मैंने खाली ओथ ली थी, कुछ भी नहीं कहा था. जब प्रधानमंत्री ने, और मैंने यहाँ जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री ने जब 15 अगस्त को लाल किले से टॉयलेट की बात करी, तो हमने हमारे MSDP के जो प्रोग्राम हैं जन विकास के, हमने उसमें फोकस किया कि जहाँ हम स्कूल के कमरे बनाते हैं वहाँ ज़रूरी है कि हम टॉयलेट भी बनाएं. सिर्फ लड़कियों के स्कूलों में टॉयलेट नहीं, बल्कि उन बस्तियों में भी टॉयलेट बनाएंगे कि जहाँ जो जो बस्तियाँ हैं माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड बस्ती, उसमें भी हम टॉयलेट मुहैया करेंगे. हमारी बातचीत चल रही है सुलभ शौचालय से, क्योंकि टॉयलेट बनाना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. हम ऐसा काम नहीं करना चाहते कि बना के चले आए और वो बाद में कूड़ा खाना बन जाए. हम लोग सुलभ शौचालय के साथ बात कर रहे हैं कि वो ऐसे हमें पैकेज दे ताकि उसका मेंटेनेंस भी हो सके और वो स्कूल पे या बस्तियों के लोगों पे उसका भार भी नहीं पड़े. तो प्रैक्टिकल काम करना. मैम, हाँ कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं. मैंने जब उड़ीसा के अंदर जब तूफान आया था, तो वहाँ मैंने 75 स्कूल बनाए थे, सब में टॉयलेट बनाए थे. तो इसलिए मुझे उसका तजुर्बा है आइडेंटिफाई करने का. हमारे जो 710 हमारे ब्लॉक्स हैं, पहले हम उन ब्लॉक्स में बनाएंगे, वहीं हम स्टडी कर रहे हैं. हमारे पास माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया का पूरा ब्यौरा मौजूद है, तो वह हम आपको बता देंगे, डिटेल दे देंगे. अभी जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें उसकी भी डिटेल होगी. मैम, मैम, मैं SA कासिम कौमी समाचार से, कहाँ सामने आपकी जस्ट सामने. मैम, इस बार आम बजट में 100 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया था मदरसा के आधुनिकरण के लिए, तो अभी तक कोई मदरसा वाले ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं, या फिर सरकार की तरफ से किसी मदरसा से पहल की गई कि नहीं, मतलब किस तरह है कोई डाटा? मदरसे मेरे पास नहीं है, मदरसे हैं HRD मिनिस्ट्री के अंदर. तो ये बेहतर होगा कि आप HRD मंत्री से इस बारे में पूछें कि इसमें उन्होंने क्या किया. हमारा जो प्रोग्राम है, हम मदरसों से ताल्लुक से 2 प्रोग्राम कर रहे हैं. एक तो हमारा साइबरग्राम का जो है, उसमें भी हम मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं. हमारी तरफ से जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में कंप्यूटर, उसी को सामने रख के हम कर रहे हैं. दूसरा हमारा एक प्रोग्राम है मदरसों का, ब्रिज का प्रोग्राम, वो भी मदरसों के मॉडर्नाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है कि जो बच्चे पढ़ लेंगे मदरसों में, उसके बाद हम उनको एक ब्रिज स्कीम बना रहे हैं JNU के साथ, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद और इग्नू, इनके साथ मिलके हम प्रोग्राम बना रहे हैं. 3,000 बच्चे जो मदरसे से क्वालिफाइड होंगे, उन बच्चों को हम दूसरी तालीम देंगे ताकि वो अपने, या स्किल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें. या मैम, दिस इज़ इमरान, आई एम फ्रॉम टेलीग्राफ न्यूज़पेपर. एक्चुअली मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, ऑल द स्कीम्स व्हिच यू हैव क्लेम्ड टू हैव, आई मीन स्टार्टेड और व्हिच यू हैव शोन अस थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दीज आर ऑल एग्जिस्टिंग स्कीम्स व्हिच वेर ऑल स्टार्टेड बाय द UPA. यू हैव मेड सम माइनर, आई मीन सम चेंजेस, बट ऑल दीज आर स्टार्टेड बाय UPA. So what is the new, since you are presenting a report card of your government, so what is the new thing which you have, I mean, going to offer? I mean, there is nothing new in about all these schemes or these minority schemes basically. So what is the new thing? You have not done anything new. आप हार्ड कॉपी हाथ में लेके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन, मैंने आपको पढ़ के बताया हमारा मैनिफेस्टो. जो स्कीम अगर स्कॉलरशिप की चल रही हैं, तो अगर उसमें जो कमियां हैं, जो ब्लॉकेड हैं, जो पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, उनको स्ट्रेंथन किया है. वो एक नई सोच के लिए नया उसका मींस निकाले हैं,
बैंक को इन्वॉल्व करा है, डायरेक्ट ट्रांसफर करा है. मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो चल. नहीं बात सुनिए, अब आप कल ये कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप तो सबको पैसा बांटते थे, आपने नया क्या किया. तो वही नया मैं बता रही हूँ आपको कि जो नई है आप पढ़िए. हमने 3-4 स्कीमें उसके अंदर, मैं आपको बता दूँ हमारे नए इनिशिएटिव क्या हैं. 100 दिन में इतने नए इनिशिएटिव जो आपने हमने यहाँ आपको बताए हैं. चार नए इनिशिएटिव हमने लिए 100 दिन. एक हमने स्कीम शुरू करी है स्किल डेवलपमेंट की, जो ट्रेडिशनल स्किल्स होती हैं, जो जैसे कारपेट बुनने वाले हैं, बनारस की साड़ी बनाने वाले हैं. इट वॉज नॉट देयर. टेक माई वर्ड, इफ यू वॉन्ट यू कैन कम एंड सी. इट वॉजंट देयर. वी स्टार्टेड दैट स्कीम. दैट वॉज अनाउंस इन द फाइनेंस मिनिस्टर्स स्पीच कॉल उस्ताद. अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट. दिस स्कीम वॉज नॉट देयर. हमारी धरोहर वॉज नॉट देयर. Preservation of the specialized cultures of the minorities, which is also part of our manifesto. This is a new scheme. Bridge program, which we are taking. Nayi Manzil, that's a new program which we are taking. I can read it out for you if you like, or you will. We can give the note. You can get the note also, but I can read it out if you like. Cybergram Yojana, this is our scheme. कितनी हुई? 4 हो गई. ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ जो हम ITI का एक यूनिवर्सिटी और स्कूल पहले शुरू कर रहे हैं, दैट्स ए न्यू स्कीम. हम जो नवाडको के ने NBCC के साथ वफ की प्रॉपर्टी डेवलप करने का एग्रीमेंट किया है, वो भी नया है. इट वॉजन देयर. देन जो जोधपुर में हमने एक अस्पताल का प्रोजेक्ट इसी नवाडको के वफ के लिए लिया है, वो भी नया है. 100 दिन में इतनी कर दी, आप क्या चाह रहे थे? मोहतरमा, मैं अनस सिद्दीकी हूँ, वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स पेपर से. मेरा सवाल है कि आपने जो 100 दिन का अपना जो मामला बताया कि 100 दिन में बहुत कुछ किया है, तो आपका जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन की जो आप बात कर रहे हैं, उसके जो है 2-4 कुछ बता सकते हैं जो इन 100 दिनों में उन्होंने कुछ नया इनिशिएटिव किया हो या नया कोई काम किया हो. दूसरा कि जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन आपका है, जिन्होंने जो है लोन अब तक जो है आपके 100 दिन में कितने लोगों को जो है लोन दिया है या फाइनेंशियल हेल्प किया है, और जो पिछला बकाया है उनसे कितनों से रिकवरी होनी बाकी हो, कितनों से रिकवरी हो चुकी है? देखिए ऐसा है, हमारा मंत्रालय पीस मील काम नहीं करता. हम लोग जो सब ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे प्रोजेक्ट में बताई थी, हम प्रोजेक्शन में, वो सब हम मिल के काम करते हैं. जो जिसको बेहतर लगता है, जो जो कर सकता है, हम उसमें. अगर वो कोई मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से हो सकता है, जैसे मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी से हम ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ जो स्कूल बना रहे हैं वो उनके थ्रू हमने कराया. जो हमने लोन दिए हैं उनको वापस दे रहे हैं. मैं यहाँ एक बात आपको कहना चाहती हूँ फ्रैंकली कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन और में काफ़ी वीकनेसेस थी स्टाफ की. मैं उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही हूँ. इन 100 दिनों में मैंने काफ़ी कुछ किया है, मगर क्योंकि ये मेरे मंत्रालय का एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, तो मैं पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके कहना मुनासिब नहीं समझती. मगर जब तक मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगी अपनी उस मेहनत से, तो तब तक मैं कुछ बताऊंगी नहीं. जब हो जाएगा तो मैं खुद आपको बुला के बता दूंगी, सबके यहाँ आके बोल दूंगी कि मैंने ये काम करना था वो मैंने कर लिया. मैम, आपने कहा, मैं अफजल हूँ नवभारत अखबार से. जी बोलिए. आपने कहा कि स्टेट्स को आप लिख रही हैं, लेटर लिख रही हैं उनको, महाराष्ट्र को भेजा आपने, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने, और सेंटर की स्कीम जो है, जो एलोकेशन होता है वो स्टेट ही उसको लागू करते हैं. तो पिछली बार ऐसे कौन से दो स्टेट हैं जिन्होंने सेंटर का जो एलोकेशन हुआ, जो पैसा दिया गया था, उसको यूटिलाइज नहीं किया, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और एक सवाल और है कि आपने जो ये सवाल पूछा है, मैं समझती हूँ कि मेरे और स्टेट्स के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं फिलहाल.
मैं राज्यसभा की 34 साल से मेंबर हूँ, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हूँ, क्यों मेरी लड़ाई कराना चाहते हो? मुझे तो काम उन्हीं के साथ करना है। स्टेट का नाम नहीं लूंगी बिल्कुल। मेरी एक स्टेट है कि जहाँ मेरे 80 करोड़ रुपए, मेरे नहीं, मेरे मंत्रालय के 80 करोड़ रुपए फंसे हैं। अब वो चीफ मिनिस्टर साहब मुझे चिट्ठी का जवाब नहीं देते, अब मैं क्यों पर्दा उनका उठाऊं? पहले मैं सेटल कर लूंगी बात, फिर आपको बताऊंगा। 80 करोड़ गुजरात में नहीं फंसे हैं, ये मैं आपको बता दूं। मैं शकीला, I'll come back to you, madam. Please have patience. I'll come back to you. Yeah, please. Yeah. No, I will give you a chance. Just hold on. I have to move from sector to sector, please. मैम, मैं शकील अहमद, आलमी समय से इंदर। हाँ बोलिए। मैम, अभी तक जितनी स्कीम्स चल रही हैं आपके मंत्रालय के जरिए, तो देखने में आता है जब लोकल लेवल पर का जाते हैं तो वहाँ तक लोगों तक पहुँच नहीं है उन स्कीम्स की, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, और उसको सही से आप लोग पब्लिसिटी करने में नाकाम पूरी तरह से रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आड़े आता है जब कोई उसको फाइल को आगे बढ़ाना चाहता है। जी, मैंने आपसे कहा बहुत सी स्कीम मुश्किल थी, स्कीम बनाना अनाउंस करना बड़ा आसान है, उसको चलाते ही रहना। जैसे मैंने टॉयलेट की बात करी, टॉयलेट बनाना तो बड़ा आसान है, मैं पैसे रिलीज कर दूँ टॉयलेट बन जाएगा तो एक हफ्ते के अंदर, मगर वो मेंटेन करना मुश्किल है। स्कीम बनाना बहुत आसान है, अनाउंस ही तो करना होता है, पैसे एलोकेट करना होता है, मगर उसको कंटिन्यू करना, जबकि सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, उसके लिए हम लोगों को स्टेट से डील करना पड़ता है। हम वही बता रहे हैं कि हमने ऐसा तरीका निकाला है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कि हम डायरेक्ट ही पैसे दे सकें स्टेट के लिए। हमारी स्कीम हो सकता है कि प्रायोरिटी ना हो, मगर हमारे लिए तो प्रायोरिटी की स्कीम है, इसलिए हम ऐसे यंत्र बना रहे हैं, ऐसे डिवाइसेस बना रहे हैं बैंक के जरिए कि हम डायरेक्टली उन तक पहुंच सकें। और जो कमियां थीं, वो पहले तो 100 दिनों में कमियां ढूंढ के उनके तरीके ढूंढे, अब इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी का हो गया है, जहां जहां कमी है वो हम पूरी कर रहे हैं। आप क्या हमें 100 दिन के बाद नहीं बुलाओगे? नहीं बुलाएंगे। 200 दिन के बाद बुला लेना, 300 दिन, आई एम प्रिपेयर टू कम बिकॉज आई नीड योर हेल्प टू पब्लिसाइज माई स्कीम, बिकॉज मुझे पैसे देना पड़ते हैं अखबार में छापने के लिए, टीवी पे देने के लिए। अगर आप लोग ऐसे आके सवाल पूछेंगे और फिर दूसरे दिन जवाब लिखेंगे तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। आप कहो तो PIB को मैं बोल दूँ मुझे हर महीने बुला लिया करें। मैम, दिस इज रश्मि फ्रॉम हितवाद न्यूज़पेपर। The various schemes you spoke about and the initiatives you've taken gives an impression that you also have to interact with a lot of other ministries to get some schemes through. Yes. Do you feel in your 100 days there is some amount of overlapping which can bring about difficulties, and how are you planning to sort them out? You know, okay. We have our 15-point program. The Prime Minister's 15-point program is there, which we deal with the various ministries. Like, for example, Indira Awas Yojana, we'll have to deal with the housing ministry. So our ministry's responsibility is to not to have the overlapping. We directly write to them that 15% of your project should have minority oriented. There should be minorities. Wherever there have been deficient, we keep writing. And I must say that all the ministers under the 15-point program which I have written to them, they have replied to me very positively, and they are going to look into the matter and see that what commitment of the government are implemented. Yeah, please. मैम, मेरा नाम शोएब रजा है, ETV न्यूज़ से हूँ। मैम, आपने बताया कि पूरे देश में वफ की जो संपत्ति है तकरीबन 6 लाख एकड़ के करीब है, और उससे तरक्याती तामीरात के काम उसमें होंगे तो फ़ायदा होगा अल्पसंख्यकों को वक्फ के ज़रिए। लेकिन क्या जहां पर कब्ज़ा है, क्योंकि राज्य सरकारें नाकाम रही है हमेशा से उन कब्ज़ों को छुड़ाने में, आपकी तरफ से कुछ कोशिशें की जाएगी उन ज़मीनों से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए? मैंने बताया ना कि एक बिल है, पहले हमारे हाथ में कोई कानून होना चाहिए, तो वो लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास है, राज्यसभा की। मैंने बात की है
चेयरमैन से भी और मैंने बात की है वेंकैया जी से जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं कि ये बिल जल्दी अगर पास हो, अगर वो कमेटी के पास से बिल निकल के आ गया विंटर सेशन में, तो मैं कोशिश करूंगी कि विंटर सेशन में ही वो बिल पास हो जाए। और वो बिल जब हमारा पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा, तो हमारे हाथ मजबूत हो जाएंगे इलीगल ऑक्यूपेशन जो बक की प्रॉपर्टी का है उनको छुड़ाने में। हम फाइनेंशियली भी मदद करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के वक्फ बोर्ड के पास, अगर पैसे की कमी की वजह से वो नहीं कर सकते हैं तो हम अपने तरफ से भी करेंगे। और जो नवाटकों की तरफ से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके जरिए जो आमदनी होगी वो हम दूसरी वक्फ की प्रॉपर्टी को छुड़ाने में भी इस्तेमाल करने का हमारा प्लान है, ताकि कहीं कमी नहीं रह जाए, वक्फ की सारी प्रॉपर्टियाँ बाहर आ जाए। मैडम ये आपके प्रोग्राम में एक आपने बताया कि माइनॉरिटी चाइल्ड गर्ल्स के लिए आपने कोई ज़्यादा इंफेसाइज नहीं किया है, उसमें आपने बताया था कि HRD के साथ लिंकअप किया गया है, बट सोशल सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड प्रोग्राम है आपका, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में उसमें कोई चर्चा दिखाई नहीं पड़ रही है, पहला। दूसरा है कश्मीर में हिंदू पंडित माइनॉरिटी में हैं, क्या उनको माइनॉरिटी में जोड़ा जाएगा? पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दे दूं, फिर पहले का देती हूँ। कश्मीरी पंडित लोग मुझे मिलने आए थे, उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी, मुझे उनके साथ हमदर्दी है, मगर ये डिसीजन गवर्नमेंट का है। अगर सरकार उनको माइनॉरिटी में शामिल करती है तो हम 6 हैं 7 हो जाएंगे, हमारी तो तादाद बढ़ जाएगी। मगर जो पहले सवाल के बारे में आपने पूछा, हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें से 30% महिलाओं का फैक्टर है, ये हमें कहना चाहिए था। 30% चाहे वो स्कॉलरशिप की हो, स्किल डेवलपमेंट की हो, जैसा कि हमारे प्रोजेक्शन में तस्वीर में बताया, वो बच्चे जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला, जो वर्दी में बैठे थे उसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो 30% लड़कियों का हिस्सा होता है स्कॉलरशिप में भी और दूसरे स्किल डेवलपमेंट में सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। उसके साथ साथ हमारी स्पेशल स्कीम्स भी हैं जो लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से मौलाना आज़ाद एजुकेशन की तरफ से हमने रखी हुई हैं। और वैसे तो मैं महिलाओं की बरसों से तरफदारी कर रही हूँ, आप बहुत खुशी हुई कि एक पुरुष भी पूछ रहे हैं, किसी महिला ने नहीं पूछा। मैं मोहम्मद फातेह टीपू हूँ राज्यसभा TV से जी। मैम 2006 से अब तक ये मिनिस्ट्री काम कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं हैं। UPA ने एक कमेटी बनाई थी, नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी ऑन माइनॉरिटी अफेयर्स, तो उसको उन्होंने मिनी योजना आयोग कहा था, एक एपेक्स बॉडी कहा था, कि जो पूरे देश में कितनी पारदर्शी तरीके से योजनाएँ काम कर रही हैं, ज़मीन तक पहुँच पा रही हैं या नहीं, इस पर इन्होंने ये कायम की थी। तो क्या वो कमेटी इस सरकार में काम कर रही है या डिसॉल्व कर दी गई? कमेटी बनाना आसान है, मगर जो कमेटी के मेंबर है उसको क्या अथॉरिटी रहती है? हम एक डेमोक्रेसी जनतंत्र में रहते हैं, हमारे अलग अलग लेवल पे, ये मेरा सोच है जो मैं किसी तरीके से अपने मंत्रालय में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी, कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ। हमारे यहाँ 3 लेवल के डेमोक्रेसीज हैं, पार्लियामेंट है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है MP की, MLA है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, कॉरपोरेटर होता है जो सिटीज़ में होता है, और पंचायत होती है जो पंचायत के मेंबर होते हैं या डिस्ट्रिक्ट के मेंबर होते हैं। मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर हम उसमें डालेंगे तो उनका भी इंटरेस्ट होता है अपने इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवेलपमेंट के प्रोग्राम को देखना, वो अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आम पब्लिक को हम जोड़ते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम प्रायोरिटी के शायद ना होते हों, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी तो वो करते हों, मगर जब हम मेंबर पार्लियामेंट या असेंबली के मेंबर को या कॉरपोरेटर या पंचायत के मेंबर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसका इंटरेस्ट रहता है अपने इलाकों को डिवेलप करने का। तो मेरी ऐसी प्लान है, ये भी रीस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान है मेरा, कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को उसमें डालें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी तरह से मॉनिटरिंग होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने मेंबर पार्लियामेंट को
काफ़ी मेंबर पार्लियामेंट को मैंने, जहां मुझे लगा कि माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं, वहां मैंने उनको ख़त लिख के भी भेजा और उनको ये बोला है कि आपके एरिया में क्या क्या प्रोग्राम हो सकते हैं डेवलपमेंट के, आप मुझे बताइए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए। और इस सिलसिले में मैं आपको बताऊँ, कई एक मेंबर पार्लियामेंट कर्नाटक से आए, यूपी के आए, बिहार के आए, जिन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि हम किस तरीके से उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ये डेवलपमेंट के प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि उनके क्लस्टर जो हैं वो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड है। मैडम इधर मैं आपके, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर है। मैडम आपके अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन, उस कमीशन का काम क्या है? सिर्फ काम उनका एक सरकार को रिपोर्ट देने का काम है, या कुछ आपने उनको फाइनेंशियल राइट्स भी दिए हैं कि जो इंस्टेड ऑफ दिस सिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो बाकी और माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे आपने बताया मराठी है, उसमें सिंधी, गुजराती, बंगाली और कम्युनिटी भी आती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए आपके विभाग का कुछ अलग पैसा है? और इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन, मैडम इस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कमीशन में भी आपने एक मुस्लिम की नियुक्ति कर दी है, मतलब लिंग्विस्टिक में भी मुसलमान की नियुक्ति कर दी है, ये कहाँ तक जायज़ है? आपकी पिछली सरकार जाते जाते एक आदेश कर गई थी एक लिंग्विस्टिक में एक मुस्लिम की नियुक्ति कर गई। वो मुस्लिम यहाँ बैठे हैं आप उनसे पूछ लीजिए मैंने नहीं किया है अभी कुछ, मैंने उस नहीं, मैंने नहीं किया नियुक्ति, जो नियुक्तियाँ हुई थी वही अभी तक चल रही हैं। सवाल ये है कि ये मंत्रालय में बहुत सी चीज़ें आधी हमारे पास हैं, आधी HRD में है, कुछ हमारे हिस्से में, कुछ इनके हिस्से में, मदरसे आधे उधर हैं, कुछ हम कर रहे हैं मदरसे का, कुछ वो कर रहे हैं। इसी तरह लिंग्विस्टिक्स के अंदर भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हमारे यहाँ आती हैं, मगर कुछ काम उनके ज़िम्मे भी है। हम इसको स्टडी कर रहे हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे और आपके सोचने या समझने से पूरी नहीं हो जाती, उसके पीछे कोई कारण होते हैं, उसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, जब तक उनका सुधार नहीं किया जाए, उसमें तब्दीली नहीं जाए, तो नहीं हो सकती। मुझसे किसी ने मंत्री बनने के बाद पार्लियामेंट के बाहर, एक साउथ इंडियन थे हमारा फ्रेंड है जर्नलिस्ट है TV के, उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन आपके मंत्रालय के अंदर आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं। मैंने कहा आप कहाँ के हो? कहा मैं साउथ इंडिया का हूँ, तमिलनाडु का। तो मैंने कहा आप भी आते हो, इसलिए कि कहीं ना कहीं तो आप माइनॉरिटी हो, इट्स ए वेरी बिग अम्ब्रेला, कोई भी आ सकता है, आप तो डेफिनेटली आ सकते हैं क्योंकि सिंधी तो आ ही जाते हैं चाहे गवर्नमेंट उसको माने नहीं माने, लिंग्विस्ट माइनॉरिटीज में, लिंग्विस्टिक में तो आप आ ही जाते हैं। मैम दिस इज शाहिद अब्बास फ्रॉम कोजेंसी जी, बोलिए। So my question relates to, I wanted to know if what is the criteria that you adopt for the high admission, and this application dates have closed at least about 15-20 days before. I didn't follow what you said. आपका जो प्रश्न है उसमें हम लोग वो स्कीम UGC के थ्रू ऑपरेट करते हैं, मौलाना आजाद। Now I followed what are you meaning, because आपने मैंने वो नहीं बताया, जो स्कीम, एक स्कीम है जिस पे हमारा कल भी चर्चा हुई थी कि वो स्कीम हमारी बहुत सी स्कीमें कंजंक्शन में चलती हैं, किसी के साथ चलती हैं, हम अकेले नहीं चलते हैं, मिल के चलते हैं। तो UGC के साथ हमारी वो स्कीम है हायर एजुकेशन के लिए माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप देने की। अब जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हमें नाम भेजेगी तभी हम उनके ऊपर स्कॉलरशिप दे सकते हैं, मदद दे सकते हैं। हम लोगों ने उनको लिखा है, मैं अभी जब तक के पूरा नहीं कर लूँ मैं इसको भी रीस्ट्रक्चर करने वाली हूँ। मैंने आपको कहा यहाँ अलग अलग स्कीम के तहत कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ रोड ब्लॉक्स आते हैं उनको निकाल दें, जो हमारा मंत्रालय डायरेक्टली काम कर सकता है। ये मंत्रालय एक वक्त की सोच नहीं था, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री बनी, डिफेंस मिनिस्ट्री बनी, उन्होंने सोच के बनाया, सब चीज़ें कायदे से बांट दी। ये मंत्रालय बिट बाय बिट बना है, ब्रिक बाय ब्रिक बना है, पहले एक ईंट रख दी, फिर दूसरी रख दी, फिर ये कर दिया, इसलिए ये फैला हुआ है अलग अलग जगह। और इसी तरह स्कीम्स भी अलग अलग फैली हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंडर वन अम्ब्रेला एक मंत्रालय के अंदर सबको लेकर आए। तो जहाँ हमें लग रहा है कि कोऑपरेशन में या कम्युनिकेशन में
मुश्किल हो रही है तो हम उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। हाँ, वो लूप होल्स अगर होंगे तो वो हम उन्हें दूर कर देंगे। मैं तो खुद ही एडमिट कर रही हूँ कि हमें कहीं कहीं डिफिकल्टी आती, बोले तो ना कोई मना नहीं है। मैम, दिस इज लिज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। और एक टू थ्री क्वेश्चन के बाद मुझे एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट करना है, वो बहुत जरूरी है। मैम, दिस इज लिज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। I would like to know what do you think is going to be your major challenge in the coming. आप दिखाई भी नहीं दे रही। What according to you is going to be the major challenge before you, and what are you going to do for that? Somebody yesterday from Doordarshan, a girl asked me a question. Okay, what is after taking the oath and the responsibility of this ministry? What do you think is your challenge? सबसे पहले जो आप पूछ रहे हैं यही पूछा था। I said as far as the projects are concerned, my programs are concerned, I'm capable to take any challenge and I hope that I'll deliver them. But जो मेरा सबसे बड़ा challenge है, जो मैं समझती हूँ, mindset को change करना है, जो लोगों की धारणाओं को change करना है, जो सोच है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले लोगों के मन में ये शक डाला गया था कि वो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये मंत्रालय डिसॉल्व कर दिया जाएगा, माइनॉरिटी मंत्री मंत्रालय खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये भी नहीं कहा था कहीं मर्ज हो जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी को बने हुए 100 दिन से ज़्यादा हो गए, मैं उम्मीद करती हूँ 100 साल रहे, मगर इस 100 दिन में मंत्रालय भी है, मंत्रालय को एलोकेशन ज़्यादा दिया हमको, हमारी नई स्कीम जो हमने बताई है उस्ताद, उसके लिए अलग से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दिए पैसे, मंत्री जो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी सीनियर हूँ, लगती नहीं हूँ, सीनियर हूँ, सीनियर मोस्ट कह दो, क्रोनोलॉजिकली बोलो, एक्सपीरियंस वाइज बोलो, 18 साल का पार्लियामेंट के चलाने का एक्सपीरियंस है, तो सबसे सीनियर को उन्होंने उसका मंत्री का जिम्मेदारी दी मंत्रालय की। तो ये जो लोगों के दिमाग में शक और शुबे हैं उन्हें मुझे दूर करना सबसे बड़ा मेरा चैलेंज है, और मैं उसको पूरा करूंगी अपने काम से, अपने अमल से, ये मेरा कमिटमेंट है आप सबको। मैम, योर पार्टी कॉलीग एंड फेलो मिनिस्टर हैड सेड, मेनका जी हैज सेड that she has got some complaints of love jihad as an MP. Have you also? My question is not complete, ma'am. I believe in love and not in jihad. my question is not complete. First of all, I'm not going to comment on my colleague. No, I'm not. What she said, I'm not asking. I didn't hear it. Ma'am, so I'm not going to react. So please, ma'am, I've not even asked you the question. I'm just saying it as a. नहीं, but उनका mention भी करने की क्या ज़रूरत है? ये मेरी press conference. हाँ, आपका ही. It's a question to your ministry, ma'am. So, as a minister, has the minority affairs ministry got any complaints of love jihad? No, I'm not going to react on it. No, I'm not going to react to it because I said I'm going to. I know you very well. I know किधर से घूम के कान पकड़ने का है। मेरा कान इतना इजी नहीं है पकड़ना। देखो आज का जो माहौल है, ये डेवलपमेंट का माहौल है, प्रोग्रेस का माहौल है, ये टेम्पररी बातें नहीं करने का। वी हैव टू हैव, दिस कंट्री हैज टू प्रोग्रेस, जिसमें हम सब लोग हैं। भले आप जर्नलिस्ट हैं, आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ जवाब दे रही हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, आप पे भी कोई जिम्मेदारी सौंपी, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही, आई एम टॉकिंग टू यू एज ए फ्रेंड। वी ऑल हैव टू लिव इन दिस कंट्री एंड वी व्हेन वी हैव टू लिव इन दिस कंट्री समवेयर वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रेंथन इट एंड दैट इज वॉट आई एम ट्राइंग टू डू एंड आई एक्सटेंड माई हैंड एंड आई एक्सपेक्ट यू टू एक्सटेंड योर सपोर्ट इन हेल्पिंग मी आउट, दैट्स इट, आई एम नॉट आस्किंग वेरी मच। सो ये जब चीजें कभी बैठेंगे मेरे कमरे में आना, चाय पिलाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, बात भी करूंगी। नजमा जी, we can make that the last question man before you announce this thing. हाँ, as it is, I don't know. नजमा जी, हाँ, कहाँ से आई आवाज? इधर से, सामने। अच्छा, माइनॉरिटीज का एक बड़ा तबका जो है वो मीट व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। किससे? मीट व्यवसाय, मीट। हाँ, एक बड़ा तबका मीट व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उनकी रोजी रोटी चलती है,
कुछ लोगों का ये कहना है कि जो मीट एक्सपोर्ट का जो पैसा है वो टेरर फंडिंग में यूज होता है, क्या ऐसी कोई आप इत्तेफाक रखती है, कोई इनपुट मिला है आपको, क्योंकि आप ऐसे ही लोगों को डील करते हैं माइनॉरिटीज की जो वेलफेयर आपकी जिम्मेदारी। देखो बच्चे, क्या उम्र होगी तुम्हारी, तुम मेरी बेटी मेरी बेटी के बराबर हो, इसलिए ये सवाल करने की, इस कॉन्फ्रेंस को पॉजिटिव रहने दो, माइनॉरिटीज को ये पता लगे, जो मैंने अभी वो बच्ची के जवाब में कहा, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं माइंडसेट चेंज करूं। आपके सवाल का जवाब मैं अपने कमरे में दे दूंगी जरूर, आप बोलोगे मैं आराम से दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम, सुनो यहाँ हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, एटलीस्ट मेरी मदद करो लोगों के माइंडसेट बदलने में, और उन लोगों का भी माइंडसेट बदल जाएगा जो इस तरह की बातें करते हैं। इसी भी पार्टी लास्ट क्वेश्चन लास्ट, फिर मुझे अनाउंस, नहीं नहीं, एक पॉजिटिव सवाल होगा और आप मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल होगा। ये मेरा सवाल है कि आपको वजीर आजम ने अकलियतों से जोड़ने के लिए और अपने हुकूमत को और अपनी पार्टी को आपको वजीर बनाया, कई लोगों को नज़रअंदाज करके कि सबसे सीनियर हैं और अच्छा काम करेंगे, और आपने कुछ बताया भी कि उस्ताद स्कीम, धरोहर स्कीम और नई मंजिल स्कीम भी आपकी चल रही है, लेकिन जो अभी कल के जो रिजल्ट आए उससे ना आपसे अकलियत जुड़ रहा है बल्कि अक्सरियत भी दूर भागता जा रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं एक बात बताऊँ आपको, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम जनतंत्र में रहते हैं, जमहूरियत है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होते रहेंगे, पार्टियां जीतेंगी, पार्टियां हारेंगी, मगर डेवलपमेंट के काम नहीं रुकेंगे। मुझे प्रधानमंत्री ने, जब मैं मंत्री बनी तो मैंने उनसे जाके पूछा कि मेरा मैंडेट क्या है, मैं क्या करूं, आप क्या चाहते हैं मुझसे, उन्होंने मुझसे कहा आज़ादी के आधी सदी से ऊपर गुजरने के बाद भी जो एक आम शहरी को जो मिलना चाहिए सहूलतें, जो उसका हक है, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, वो भी नहीं मिली है, उससे वंचित रहा है। जब ही सचर कमेटी की रिपोर्ट ने, जो पिछली गवर्नमेंट ने अपॉइंट करी थी, उनका जवाब आया है, हमने नहीं करी है, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने 74 रिकमेंडेशन करी हैं, पॉइंट्स बताए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं, मैंने तुम्हें इसलिए जिम्मेदारी दी है कि जो बेसिक ज़रूरतें मुसलमानों को, ख़ास वर्ड उन्होंने लफ्ज़ मुसलमान यूज़ किया, माइनॉरिटी ही नहीं यूज़ किया, मुसलमानों को नहीं मिली हैं, वो उन तक पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनको साथ लेके आना है, सबका साथ करना है, सबका विकास करना है, सबको साथ लेके सबका विकास करना है, दैट इज व्हाट इज माय मैंडेट। अब हो गया, अब मैं बोलूं, अनाउंसमेंट करूं, सबीना, आई नो हर वेरी वेल, शी कैन आस्क, सबीना इंद्रजीत फ्रॉम इंफा, या श्योर, यू नो, यू मेंशन एट द बिगिनिंग दैट ईच माइनॉरिटी कम्युनिटी हैज डिफरेंट प्रॉब्लम्स, यस, राइट? Unfortunately, I think what one sees is that the minority ministry, which is looking into seven now, minorities, six, is seen basically as a lot of, most of the initiative going towards the Muslims. Okay. However, that's not the case, as you mentioned. So any initiatives in particular that one has started, initiated for the Buddhists, for the, yes, for the Jains, could you just give us a few of these? Sure. One initiative is with the Parsis, the Geo-Parsi that we announced. Hamari Dharohar, the program which of the minorities within the whole Indian concept of culture is among, for the Jains, there are I've already started working, 80,000 manuscript, rare manuscript are there of the Jain community. And they are, I had a discussion with the curator and director of the museum in Ahmedabad, who came to discuss it with me, and we are going to start it. Digitizing 80,000 very rare manuscripts. Some of them are on that Talpatra. We are going to digitize them to preserve them. This is part of the Hamari Dharohar program. Similarly, I'm going to do something of this type for the Buddhist community also. I had a meeting with one of the Buddhist monks whom I have been working for a very long time. He's originally from Japan. His name is Mr. Nakamura.
He came for one of the program and I told him to come and meet me. I'm going to work on these issues with the Buddhists, what we can do for them. I'm not asking them what they can do for me, but I'm telling them what my ministry can do for them. Sikhs are there, and I have to find out what preservation of their rare manuscript or sculptures or whatever they want, or the Gurdwaras we will do for them. Similarly, for the Christians also, there are many churches which are in Goa and South India, which we can preserve with the help of the ministry, with the help of the archives. I have already had a long chat with the previous director of archives, Mr. Ahmad, who has restored hundreds and thousands of temples. He came and met me. He's from Kerala. There are a couple of thousand temples of Jain origin, which are in South India. We are trying to work out with every minority. As I announced, every minority has their own issues. And I'm identifying each minority, what they need from us. We are going to do that. Yeah. Thank you for asking this question. Yes. Now, can I make the announcement? Yes. Now, as you know, there have been Kashmir mein bahut bhayanak sailab aaya. हमारी सरकार ने उनके लिए प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया. हमारी अलग अलग मंत्रालयों ने, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री के, नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी के जवान हो, होम मिनिस्ट्री के लोग हो, होम सेक्रेटरी तो वहीं स्टेशन है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद दौरा किया, होम मिनिस्टर वहाँ गए, हेल्थ मिनिस्टर गए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भेजा. जो भी मदद हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से कलेक्टिवली पूरी गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती थी, उन्होंने उनकी इस आपातकालीन जो दौर से वो गुजर रहे थे, उनकी मदद करी. और अब डिजास्टर मैनेजमेंट ने भी उनका बहुत काम किया. अब ज़रूरत है, जब पानी रिसीट कर जाएगा तब पता लगेगा कि क्या उनके यहाँ नुकसान हुआ है. जानी नुकसान तो जो हो गया वो हो गया, जो माली नुकसान उनके यहाँ होगा, जिसमें मकान ढह गए हैं, स्कूल ख़त्म हो गए हैं, सड़कें ब्रिजेस टूट गए हैं. नितिन गडकरी जी बता रहे थे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब आ गए थे, उन्होंने ये बात कैबिनेट में बताई. वहाँ बहुत कुछ पानी रिसीट करने के बाद काम करने की ज़रूरत है. हमने भी बहुत अपने तरफ से सोचा कि हम क्या करें हमारे मंत्रालय की तरफ से. तो हमने 120 करोड़ की पैकेज कश्मीर पीड़ित लोगों के लिए अनाउंस किया. उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी. मैं आपको हमारे जो ऑनगोइंग प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें हमने कश्मीर स्पेसिफिक पैकेज इस सैलाब की वजह से परेशान लोगों के लिए दिया है, कि वो अब अपनी आम जिंदगी पे जब जाएंगे तो उनको ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों की. सीखो और कमाओ की जो हमारी स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, हमने 5,000 करोड़ उसके लिए रखा है. 2,000 बच्चों को हम ट्रेन करके उनको जॉब दिलाने के लिए तैयार करेंगे. स्किल ट्रेनिंग अंडर जन विकास योजना MSDP प्रोग्राम में 1,000 बच्चों को हम ट्रेन करेंगे. उसमें 2,500 करोड़ रुपया हमने उसके लिए एलोकेट किया है. हमारी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट का मींस को जो स्कॉलरशिप है वो हम उन्हें डिमांड ड्रिवन कर देंगे. जो स्कॉलरशिप मांगने आएगा हमें स्कॉलरशिप देंगे, और हमने उसके लिए 30 करोड़ रुपया एलोकेट करा है. जो लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, मैंने अभी कहा था मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन जो अलग से लड़कियों की देती है, आपने किसी ने सवाल पूछा था, हम उस स्कीम के तहत 2,000 बच्चियों को 1,20,00,000 रुपया हमने एलोकेट करा है उन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए. कंसेशनल फाइनेंस फॉर सेटिंग अप ऑफ माइक्रो इंटरप्रेट, जो हमारा नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके ज़रिए
जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज होंगे, जो भी मांगेगा, उसके लिए हमने 50 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। जो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, स्कूल, मदरसा, आईटीआईज, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एक्सेट्रा, हमारी जन विकास योजना एमएसडीपी प्रोग्राम से हमने जो भी जहां भी ज़रूरत होगी 25 करोड़ रुपया हमने उनके लिए एलोकेट किया है। अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल्स, जो उस्ताद प्रोग्राम मैंने बताया था, ट्रेनिंग का ट्रेडिशनल, कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और आर्ट है, उसके लिए हमने 1000 बच्चों को ट्रेन करने का एलोकेशन किया है 2,50,00,000 रुपए का। और जो हमारा ब्रिज कोर्स है, जो मदरसे में बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जो नई मंजिल है उनको ब्रिज कोर्स में जो हम डालते हैं, नीड बेस्ड जितने बच्चे उस ब्रिज कोर्स के लिए आएंगे, उसके लिए हमने 1,50,00,000 रुपए एलोकेट किए। और दूसरी चीज़, मेरे से लगा के मेरे पूरे जितने मेरे स्टाफ है हमारे मंत्रालय में, सब एक दिन की सैलरी प्रधानमंत्री के फंड में देने के लिए हमने किया है। हम लोग सब करेंगे, ठीक है, इस पे कोई सवाल नहीं है। थैंक यू मैडम। हाँ हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का आपने पहले नहीं पूछा, वो सवाल पहले पूछना चाहिए था। अभी मैं माफ़ी मांगती हूँ सबसे, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन पिछली गवर्नमेंट का कैबिनेट में पास हो गया था, नई गवर्नमेंट आती है उसको फिर इंटर मिनिस्ट्रियल रिकमेंडेशन के लिए, कंसल्टेशन के लिए भेजना पड़ता है, हमने वहाँ भेजा हुआ है। थैंक यू मैडम।